गाइस वेलकम बैक टू द वीडियो। आज मैं इस टॉपिक में बड़े दिनों के बाद ये वीडियो बना रहा हूँ, मतलब ऐसी टाइप की वीडियो में बना रहा हूँ। मेरे से बहुत लोग पूछ रहे थे कि का QR कोड आप QR कोड बना दो। मैंने बहुत वेबसाइट देखी, सारी स्कैम थी, आपका पासवर्ड उठा लेती थी। लेकिन अभी मुझे एक बिल्कुल जेन्युइन वेबसाइट मिली, तो मैं आपको दिखाता हूँ कौन सी है। सबसे पहले आपने क्रोम, अब आपका क्रोम खुल चुका है तो आपने क्या करना है, qifi.org ये एंटर कर देना है आपने। सही है, SSID में क्या लिखना है आपने, मेरी तो है वैसे ई के, देख लें कैपिटल ई कैपिटल के है, आपकी कोई भी हो सकती है। तो आपने क्या करना है, पासवर्ड लिखना है अपना, कोई भी पासवर्ड हो सकता है, सबका पर्सनल होता है। तो मैं दिखता हूँ, तो जैसे देख सकते हैं इसको जनरेट आपने नहीं करना। अभी आपने क्या करना है, वाईफाई पे क्लिक करना है, वाईफाई को बंद करना है, ये शायद डेटा उठा ले आपका, स्कैन वैन कुछ कर ले। और अब आपने दूसरा टैब खोलना है, जैसे मैंने यूट्यूब खोलना है, देखें नो इंटरनेट तो ये सही है। और अगर ये चल रही है वेबसाइट तो मतलब ये सही वेबसाइट है। अगर कोई वाईफाई की जैसे भी राउटर की वेबसाइट होती है और उसका वाईफाई बंद भी कर देंगे तो वो वेबसाइट चलेगी। तो अभी आपने क्या करना है, इसका एरोप्लेन मोड ऑन कर देना है लैपटॉप का, ताकि कोई डेटा स्टील ना हो सके आपका। सही है, ऑन हो गया। आपने क्या करना है, जनरेट करना है, अब आपने एक्सपोर्ट करना है इसको। देखें ये देखें, जैसे ये कोड तैयार हो चुका है। ये ऐसे करते हैं, अब आप इसको किसी को शेयर भी कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, अपने व्हाट्सएप पे, आप जहाँ चाहें शेयर कर सकते हैं। कर सकते हैं, ये जो वाईफाई पहले से कनेक्टेड है, मैं क्या करूँगा इसको जाके मैं फॉरगेट पे क्लिक कर दूँगा। सही है, अब मैंने क्या करना है, जो इसके ऊपर ये QR कोड वाला है ना, इसको यहाँ रखना है। मैंने जैसे कहा था ये वाईफाई दिखाएगा, इसका पासवर्ड नहीं, ये आ गई स्ट्रेट आ गई, तो करीब था तो सीधा ही आनी थी, लेकिन मैं पासवर्ड लिख के आपको दिखा कुछ। अब ये कनेक्ट हो चुका है। आप लोग पूछ रहे होंगे कि पासवर्ड क्यों नहीं लिखता, ये पासवर्ड इसलिए नहीं लिखता क्योंकि वो बहुत डेंजरस होता है। वेबसाइट्स होती हैं कुछ जो दिखाती हैं, लेकिन वो बहुत डेंजरस होती हैं। तो हम पार्ट टू पे, जिसके लिए मैंने QR कोड बनाया था, मैंने अपना वाईफाई का नेम हाइड करना था ताकि कोई मेरा वाईफाई देख ना सके। तो आपने क्या करना है, जो आपकी IP एड्रेस होगी उसको लिखना है। गूगल पे मेरी तो ब्लर हो गई है, लेकिन आपको लिखनी है आपके राउटर पे होगी। तो आपने उस पर क्या करना है, अब आप यहाँ आ गए एडमिन पे क्लिक करना है, पासवर्ड लिखना है, सबका अलग अलग होता है, तो मेरा भी अलग है, तो मैं अपना वाला लिख लेता हूँ जब तक। तो अब मैं यहाँ अंदर आ चुका हूँ, आपने क्या करना है, सेटिंग में जाना है, इंटरनेट पे जाना है। तो आपने क्या करना है, आपने जाना है वायरलेस पे। जैसा आप देख सकते हैं मैं वायरलेस पे आ चुका हूँ। यहाँ आपने एडवांस सेटिंग पे क्लिक करना है, सबका अलग हो सकता है, हाइड हो सकता है। तो जैसा आप देख सकते हैं, ये देखें यहाँ आ रहा है विजिबल स्टेटस, इसको मैं इनविजिबल पे क्लिक कर दूंगा। अगर आपके पास 5G वाला भी है, 5G के लिए भी सेम इनविजिबल कर दें आप इसको, देखें इनविजिबल है, इनविजिबल कर दें इसको। और अब आपने क्या करना है, इसको सेव कर देना है। मैं अभी सेव नहीं कर रहा, क्यों, अब मैं थोड़ी देर बाद करूँगा, लेकिन अगर आप सेव करना चाहें आप कर सकते हैं। लेकिन याद रखें, पहले आपके पास QR कोड होना चाहिए। आप सेटिंग में जाके वाईफाई पे मोर पे वो ऑप्शन आता है, वाईफाई का नाम लिखें, एग्जैक्ट नाम लिखें, अगर कुछ स्पेलिंग मिस्टेक हुई तो वो कनेक्ट नहीं होगा। और उसका पासवर्ड लिखना है, और अगर आपके पास कोई एडवांस QR कोड है तो उसके साथ वाईफाई का पासवर्ड समेत पूरा आ जाएगा। तो ये बहुत अच्छी वीडियो है, अगर आप लोगों को अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कुछ दिनों बाद मैं एक वीडियो निकालूंगा वाईफाई की स्पीड की बूस्ट कैसे करते हैं, तो मैं अभी इक्विपमेंट्स लूँगा तो मैं आपको बताऊँगा करते कैसे उसको।
तो अभी के लिए इतना ही, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आप लोगों को ये वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा। अब मिलते हैं अब अगली वीडियो में, तब तक के लिए खुदा हाफिज़।